वृद्ध आश्रम में वृद्ध जनों की सेवा के नाम पर की जा रही है खाना पूर्ति। बरसाना नगर के गिरधारीपुरा स्थित एक गेस्ट हाउस में संचालित वृद्ध आश्रम में वृद्ध जनों को सेवा के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। वृद्ध आश्रम में मौजूद वृद्ध वरिष्ठ पत्रकार नरेश भदौरिया बताते हैं कि यहां मैनेजर न होने के कारण वर्षों से समस्या बनी हुई है। डेढ़ वर्ष से आरओ खराब है, पानी का गीजर, वाटर कूलर, पंखे खराब पड़े हुए हैं, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। लाइट आती है तब समर का पानी पीने को मिलता है, भीषण गर्मी में भी कभी ठंडा पानी नसीब नहीं हुआ। बाबा क्या नाम है? वृद्धाश्रम में किस तरह की समस्या आ रही है? पानी की है साहब, पीने के लिए नहीं है ना, गर्म पानी नहीं है। ये वाटर कूलर वगैरह ये दो दो दो, दो, दो महीना होगा, एक साल तक, डेढ़ साल तक करीब आरो खराब है, खराब है, नहीं चलता वो ना ना। क्या करते हैं? वैसे ही पीते हैं, कभी कभी बत्ती आ जाती तो समर से चला के भर लेते, नहीं यार ना। और क्या समस्या? पंखे वगैरह सही है? पंखा गड़बड़ कर रहे हैं दो चार, तो कौन से कम से कम सुनाई धुनाई नहीं, कोई सुनाई नहीं। वॉशिंग मशीन भी सुना खराब है, वो भी खराब है साहब, वॉशिंग मशीन। और ये पानी का गीजर, गीजर भी खराब है, एक साल हो गया, सब चीजें खराब है। हाँ, कोई सुविधा नहीं। आप बताएं, आपका नाम क्या है? नरेश भदौरिया। आप भी एक पत्रकार रहे? हाँ, मैं दैनिक जागरण में संपादक था, मेरा टेलीविजन। अच्छा, समस्या क्या है? समस्या यहाँ की जो बद इंतजामी है, लेकिन मैनेजर की वजह से है। मैनेजर यहाँ है नहीं कोई, और मैनेजर की नियुक्ति होनी चाहिए। तो हमारा निवेदन ये है कि आप लोग डीएम साहब को बताएं कि यहाँ की बद इंतजामी थोड़ी दूर हो सकती है। तो क्या क्या बदनामी है यहाँ? और बाकी तो सब ठीक है। क्या समस्या है? हम बूढ़ों के लिए सरकार ने इंतजाम किया। क्या समस्या है यहाँ की? समस्या तो यहाँ कई तरह की है। अब सबसे बड़ी तो ये पानी की, दोनों मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं, सफाई की बेकार पड़ी हुई है। अब मैनेजर हो तो इनका इंतजाम हो, कौन करे, साइन कौन करेगा? तो ये आप बदनाम भी सबसे तो बड़ी किसी है। भी प्रकार की आप लोगों की सुध नहीं ली जा रही, क्या कर रहे हम लोग, क्या कर सकते हैं? अच्छा, सुनने में ये हम लोग महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका आरओआई 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।